पता ही नहीं है क्या खेल रही है। अभी और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको अच्छा पता चलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। यार कल तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, कल पूरा दिन रेस्ट किया क्योंकि कल का मौसम बेकार था और कहीं बाहर जा भी नहीं सकते थे तो घर में ही थे, इसीलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। तो आज मैं बना रहा हूँ। अभी तो फिलहाल यहाँ पे 10 बजने वाला है। ब्रेकफास्ट तो मैं किया नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी योगा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पहले योगा प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग आज घर में ही हैं। देखो लुसिया बेबी यहाँ पे खेल रही है। लुसिया से हेलो एवरीवन, राम राम जी, जय जोहार, कैसे हो जी? छत्तीसगढ़ है सबले बढ़िया, कहो रे लुसिया। हो कहाँ आ रही हो? या ये देख रहे, इधर इधर आ रही है या लुसिया? बाबर पापर अलिसिया, वाह कहाँ जा रही हो? यार मेरा जो है योगा प्रैक्टिस तो हो गया कंप्लीट और हम लोगों ने लंच भी कर दिया। बेबी सो रही थी आराम से, तो अभी अभी लुसे बेबी सोकर उठी है, देख रहे हो? हाँ दद्दू रे क्या गाइस, फिर अभी यहाँ पे बज रहे हैं, अभी 1:30 बजने वाला है आफ्टरनून में। तो अभी फिर हम लोग बेबी को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पे एक पार्क है, वो पार्क आप लोगों को पहले भी पता है, तो उधर ही घूमने चलते हैं। चलो आज देखते हैं अभी क्या हाल चाल है उस पार्क का। बहुत दिन बाद जा रहा हूँ। देखो बेबी तैयार है, हरे रंग की टोपा पहनी है। चाबा वन वन खा जा। तो चलो फिर चलते हैं। फिलहाल हम ही लोग जाएंगे, तीनों ससुर जी तो यहीं रहेंगे। दोस्तों देख रहे हो, बेबी को मैंने सामने बैठा दिया इसको अच्छे से। इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। पहले मैं सिर्फ कमर वाला ले जाता था तो उसमें हमारा कमर दर्द करने लगता था यार। तो इसमें शोल्डर में भी सपोर्ट है मेरे, तो ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा मेरे ख्याल से। तो अब अच्छा लग रहा है चलते हुए, पैर को हिला हिला के, हिला हिला के अपना बस पैर को हिला रही देख रहे हो ऐसा। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं नदी के किनारे, मतलब नदी किनारे नहीं, नदी के पास। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बड़ा मस्त व्यू है। चलो ये देख रहा हूँ, इधर कम्युनिटी ये वाला और सामने वाला कम्युनिटी, बड़ा मस्त कम्युनिटी है। और ये रहा नदी भाई, इस नदी को एक किनारे पहले भी घूम चुके हैं और इसके ऊपर मैंने ब्लॉग भी बनाया है। तो इस नदी के किनारे ये जो राइट साइड का ये दिख रहा है ना फ्लाई ओवर, ये है सेकंड रिंग रोड बीजिंग का। तो ये जो नदी है ना पूरे बीजिंग को, बीजिंग शहर को घेरे हुए, मेन बीजिंग शहर को। बीजिंग का हम लोग थोरेंथिंग पार्क में पहुंच गए, उसके गेट के सामने। यहाँ पे वैसे बाकी लोगों के लिए तो पैसा लगता है शायद 4 RMB, 2 RMB के आसपास, बट मेरी वाइफ का कोई फ्रेंड है यहाँ पे जॉब करता है तो उसके नाम लेके हम लोग घुस सकते हैं आसानी से, मतलब हम फ्री में जा सकते हैं अंदर। ठीक है, तो ऐसा है भाई। देखो भाई इस पार्क में यहाँ पे जो है ना, जिनका एज ज़्यादा है ना उनके लिए यहाँ पे देखो व्यायाम वगैरह करने के लिए बना हुआ है। ये देखो अभी भी इनका व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह चल रहा है इन लोगों का, देख रहे हो? देखो भाई यहाँ पे लोग जो है अभी घूम फिर भी रहे हैं आराम से अपना। तो इस वाले पार्क में हम लोग पहले भी आ चुके हैं, इसके ऊपर मैंने ब्लॉग भी बनाया है। ये वाला पार्क जो है बहुत बड़ा पार्क है भाई, बट अभी जो है यहाँ के पेड़ पौधे में पत्ते नहीं हैं तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी देखो कुछ दिनों बाद आ जाएंगे फिर आपको बड़ा मस्त भी देखने को मिलेगा यहाँ, और फूल वगैरह लगे रहते हैं यहाँ तो बड़ा सुंदर दिखता है। तो अभी तो इतना सुंदर नहीं दिख रहा है, पानी वगैरह भी नहीं है। अभी पानी वगैरह सब जो है बर्फ के रूप में जम गया है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है ना यहाँ यहाँ पर। तो अरे भरे सर सामने देख रहे हो, सामने तालाब जैसा था लेकिन पानी तो पूरा बर्फ बन गया है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये तालाब जैसा था, यहाँ पे बहुत बड़ा लेक था और इसमें तो अभी बिल्कुल पानी पानी था वो भी बर्फ। ये देख रहे हो भाई पानी जो है पूरा बर्फ जम गया है। पहले यहाँ पे खेलने के लिए बना हुआ था अभी कुछ दिन पहले, बट अभी शायद ठंडी कम हो गई है इसलिए शायद अब बर्फ़ भी पिघल रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे अब खेलने की व्यवस्था नहीं है।
ये यहाँ पे जो है बहुत सारे बोट देख रहे हो, तो ये जब पानी जो है बर्फ जो पिघल जाएगा ना, मतलब समर आ जाएगा, फिर इसको शुरू करेंगे, फिर इसमें मज़ा आता है थोड़ा। तो इधर सामने देख रहा हो, यहाँ पर बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, तो इधर ही जा रहे हैं अभी हम लोग। ये देखो भाई, यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। ये देखो बच्चों का स्लाइड करने के लिए बना हुआ है, ये देखो ये वाला भी बना हुआ है, बच्ची अकेली इसमें मज़े ले रही है, बाकी तो और कोई नहीं है। ये वाला देखो बड़ा गजब ऊपर में, बड़ा मस्त है। एक ये वाला गेम देखो, वो देख रहे हो, ये तो लूसे बेबी नहीं खेल पाएगी, थोड़ा बड़े लोगों के लिए है। ये यहाँ पे देख रहा है, ये झूला वाला, ओ हो, लूसिया बेबी तो अभी तो नहीं खेल पाएगी इसको भी। ये देखो भाई ये वाला गेम बड़ा गजब, इसको भी अभी लूसिया बेबी नहीं खेल पाएगी, थोड़ा और बड़ा हो जाने तो फिर खेलेगी। गाड़ी वाला सिस्टम देख रहे हो, ये यहाँ पे है रेलगाड़ी वाला सिस्टम देख रहे हो। ओ इसको बेबी के साथ खेल सकते हैं, ये तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, बाकी दूसरी चीज़ों को तो मुश्किल है। ये देख लो एक छोटी बच्ची अकेले खेल रही है अभी यहाँ पे, बहुत फास्ट है, दूसरे बेबी के साथ तो मुश्किल है अभी। और यहाँ पर मेरी वाइफ जो टिकट लेने के लिए जा रही है, हम लोग शायद एक ही वाला खेल सकते हैं बेबी के साथ, रेलगाड़ी वाला, चलो देखते हैं। पूछो हाँ, जैसे पापा काका नहीं सोना दादू चेपा श्याम पापा अभी लुसिया बेबी तो लुसिया बेबी को तो कुछ पता ही नहीं है क्या खेल रही है, अभी और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको अच्छा पता चलेगा। खाइला हाला श्या खाइला, सामने देख रहा है ये वाला गेम भी चल रहा है अभी। ओ इसमें अकेली एक ही बच्ची बैठी है अभी, ये देख रहा हो सामने और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये जब हरा भरा रहता तो और बड़ा मस्त लगता है। यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती है, इधर बच्चों के लिए शॉप भी है यहाँ पर देख रहे हो। तो आज जो है ना बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को लेकर आए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सनशाइन है, मतलब धूप है, इसलिए लोग लेकर आए हैं और वहाँ पे खेल रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो है चाइनीज लोग जब फ्री रहते हैं ना, तो ज़्यादातर कार्ड या तो फिर चाइनीज़ गेम खेलते रहते हैं। यहाँ पर भी देखो जरा खेल रहे हैं ये लोग, क्या क्या गेम है। तो ये देखो यहाँ पर भी ये लोग जो है ना ओल्ड एज पर्सन है, सारे के सारे लोग पत्ते खेल रहे हैं, पत्ते यहाँ पर भी लोग जो है पत्ते खेल रहे हैं देख रहे हो वहाँ। और इधर ये वाला आप लोगों को पता है ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इसको, तो ये लोग ऐसा भी कुछ करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बड़ा मस्त। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से ऊपर होके चलते हैं, यहाँ से बड़ा मस्त दिखता है वैसे व्यू ब्रिज से। यहाँ पर लोग जो है पतंग भी उड़ा रहे हैं देख रहे हो, दो पतंग दिख रहे हैं अभी, ये देख रहे हो यहाँ पर लोग जो है पतंग उड़ा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर भी पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो बड़ा मस्त गेट बना हुआ है चाइनीज स्टाइल में, कितना अच्छा दिख रहा है कलरफुल। तभी देख रहे हो लुसे बेबी को मैंने अपनी वाइफ को पकड़ा दिया है,
उसके कमर में बांध दिया वो सब चीज़ें, ये देखो, क्योंकि शोल्डर थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था तो थोड़ा बहुत अब इसको पकड़ने दो। वैसे भी अब घर जाने वाले हैं। इधर जो है बबर बबर रहेगा बबर बाबा, ये देखो भाई यहाँ पर भी अभी तक स्नो है, बर्फ बना हुआ है, पानी देख रहे हो, तो अभी भी बच्चे खेल रहे हैं थोड़ा बहुत। इधर बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए। इधर देखो इस पर जो है बच्चों का जंप करने के लिए बना हुआ है, और इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, लेकिन आज लोग बहुत कम हैं। ऊपर देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं, यहाँ से लोग जो है बहुत सारे पतंग उड़ा भी रहे हैं। देखो ये देखो भाई इधर भी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं देख रहे हैं। और लुसिया बेबी तो अपना जो है आराम से सो गई, अब तो अब सीधे घर चलते हैं, यहाँ के 10 मिनट वॉकिंग दूरी में पड़ेगा हमारा घर। ये देख रहे हैं ये वाला गेट, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे एक शॉप है छोटा सा, यहाँ से मैं कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, देखता हूँ। तो फिर भाई मैंने ये वाला ख़रीदा है अभी, ये है 6 RMB का। तो अभी जो मैंने एक ड्रिंक ख़रीदा है ना, तो उसका नाम आता है मिल्क टी। और ये जो ड्रिंक है ना, तो हमारे यहाँ जो मिल्क टी नहीं बनता तो उसी के टेस्ट में, तो अच्छा लगता है मुझे वैसे इसको पीने में। यहाँ पर आ गए फिर भाई हम लोग दूसरे ब्रिज में, ये क्योंकि ये नदी के बीच में बना हुआ है, तो यहाँ से इधर नदी को भी देखो और अच्छा दिख रहा है, बड़ा मस्त देख रहे हो। और इधर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इधर, ये देखो भाई। तो यहाँ पर भी लोग जो है पतंग उड़ा रहे हैं देख रहे हो, ये तीनों के तीनों लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, अभी गेस कर सकते हैं हम लोग कहाँ पर पहुँच गए। जाते समय यहाँ पर भी मैंने वीडियो बनाया था, अभी देखो तो अभी रोड क्रॉस कर ही रहे हैं, तो अब घर पहुँचने ही वाले हम लोग फटाक से। यहाँ पे देख रहे हैं लोग जो है फीस भी बेच रहे हैं, देख रहे हो फीस यार। अभी जो है ना थोड़ी बहुत ठंडी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हाथ जो है ना अब ठिठुर रहे हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ठंडी लग रहा है। देख रहे हैं बाबर जो है अभी अभी उठ गई बेबी, जैसे जैसे घर पहुंचने वाले होते हैं तो उठ जाती है फटाक से, देख रहे हो। अभी अभी घर पहुंचे हैं यार, देखो ये तो सोई नहीं और उठ गई, अपना पानी पी रही है। अब पानी ज़्यादा पीती नहीं है, बस इसको चापती रहती है और कुछ नहीं करती, देखो ऐसे ऐसे पानी पी लेती है अब वो देख रहे हो। ये देख रहे हो भुखारी को क्या खा रही है, ठीक से समय आ पता नहीं है क्या है, लड्डू जैसा बना हुआ है, वेजिटेबल से बोल रही है वो, पूछ रहा बाबा लुसिया। देखना जो है अब जो है मेरी सासू माँ गई, अब लुसिया बेबी को देखना क्या करती है। कहो बेटा, हेलो हेलो हेलो, कहो बाय 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 रे बाय बाय। अभी अभी दूध पी है आराम से, और अब खेलने वाली है भैया। तो आज जो है ना आने वाली है मतलब मेरी साली, तो देखो क्या प्लान बनता है। ओहो पू खाई पू था चता वाला नहीं जन जाए, बड़ बब्बर लुसिया थक है ना, खान देखो बड़ी ध्यान से देख रही है। ओहो
拜拜，Felicia， Felicia day， Felicia day， Felicia day， Felicia， Felicia。ये देख रहे हो अब अपनी कह रही है बढ़िया। वाह चल भाग। वाह बाय बाय लुसियो। ओह लुसिया रे बड़े ध्यान से देख रही है जो खा रही है देख रहे हो। ओहो ये देखो भाई ये है फ्राइड रोल। तो यार दो हाथ आ ना搁嘴里，哈哈，好，别搁这样，小鱼，小鱼，哎呦，正好正好，热正好，跟小姨亲热呢，哎，好热闹，啊，不是，小鱼都在那边摆摊，别搁这样。小时候也爱的死去活来的，妈呀，他死去活来的怎么办？दोस्तों तो अभी यहाँ के 9 बज गए हैं यार, तो अब तो मेरी साली भी अभी जाने वाली है घर थोड़ी देर में, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय 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 सो बाय 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 इधर सोना ना बाय बाय या बाय 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 सो बाय 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 बाय拜拜，拜拜，拜拜，哎，真不客气。